मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हो कि हमें जिंदा रहने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? बताइए। और हवा, पानी भी हमें जरूरत पड़ती है। हमें जिंदा रहने के लिए तीन चीजों की जरूरत है, हवा, पानी और खुराक की जरूरत पड़ती है हमें। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि हम घर में खाना वगैरह पकाते नहीं पकाते पकाते हैं? हाँ, हम अपने घरों में खाना पकाते हैं। अच्छा, खाना पकाने से पहले अगर हम ये रोटी बनाते हैं तो हमें रोटी को पकाने से पहले आटे में हमने आटे के साथ क्या करना पड़ता है? सीव करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? ताकि आटे को साफ करें। हमें जो है आटे को पकाने से पहले उसको सीव करना पड़ता है ताकि हमें जो उसमें जो इम्प्योरिटीज वगैरह होती है वो अलग हो जाए। तो इसी तरह से आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ सीव सेपरेशन। मेथड ऑफ सेपरेशन तो इसी के अंदर आता है मेथड ऑफ सीव। मेथड ऑफ सीविंग, तो हम सीविंग मेथड को इसलिए अडॉप्ट करते हैं ताकि इट अलाउ टू फाइंड पार्टिकल्स ऑफ द फ्लोर टू अलाउ टू द होल्स ऑफ द सीव। सीविंग अलाउज द फाइन पार्टिकल्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ द किसके फ्लोर। फ्लोर क्या होता है? आटा। फाइन पार्टिकल्स ऑफ द फ्लोर टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव। सबके घरों में सीव होता है, नहीं होता है? हाँ। सीविंग अलाउज द फाइन पार्टिकल्स ऑफ द फ्लोर टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव। वह बिगर इम्प्योरिटीज जो होती है, बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव। आई समझ आपको? जो हस्क वगैरह होता है उसमें डस्ट होता है, ब्राउन वगैरह होता है, वो किसमें रहता है? सीव। सीव पे। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल शेप में आपको मैं ये दिखा रहा चाहती हूँ आपको, तो आप आए दोस्त ये लड़के आप ये कर सकते हैं। तो क्या है ये फ्लोर है, इसको हम सीव करेंगे ताकि इसमें जो बिगर इम्प्योरिटीज है वो सेपरेट हो जाएंगे। करो इसको, करो ना इसको, करो करो जल्दी। कैसे करते हैं? हाँ, तो ये आटा जो है होल से नीचे पास हो गया, तो जो इम्प्योरिटीज वगैरह इसमें है आप भी करो ना, ये लो आराम से करो उसको। हाँ, तो इम्प्योरिटीज वगैरह जो है ना वो इसमें रही नहीं रही, आप देख सकते हो नहीं रही। जो बिगर इम्प्योरिटीज है वो सीव पे रह गई, जो फाइन पार्टिकल्स है वो होल से पास हो गया। अब आया समझ आपको सीविंग मेथड ऑफ सीविंग क्या होता है? इट अलाउज द फाइन पार्टिकल जो हमारे पास जो साफ चीजें होती है वो इससे पास हो जाती है और बिगर इम्प्योरिटीज इससे रह जाती है, तो हमारे लिए आटा जो है बिल्कुल प्योर बन जाता है। ओके, समझ आया आपको?